हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakespeare.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 43। आज हम कोड के बारे में देखते हैं कि आप अपना कोड जो है वो कैसे एक पेज पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप लगा सकते हैं, कैसे आप दे सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि HTML जैसे ही आप वो पैराग्राफ लिखते हैं तो वो आपको पी का टैग नहीं दिखाता, लेकिन जस्ट नॉर्मली वो पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको दिखाता है। तो अगर आपने इस तरीके के टेक्स्ट दिखाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनलाइन टैगिंग के लिए रैप यूज कर रहे हैं कोड का, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि भाई आपने अगर ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट एंड देन ये टेक्स्ट। जो ये बना रहा है वो बेसिकली ये कोड का टैग है, ठीक है, कोड का टैग। एंड जो ये चीजें हैं वो ये जो लेफ्ट का टैग है ये बना रहा है, एंड देन जो ये है एंड GT वो राइट के टैग को बना रहा है, सेक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद जो है वो इसको हटाते हैं अपने एग्जाम्पल को, एंड यहाँ के आने के बाद हम पेस्ट करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका एज इट इज आ गया है। अगर आप ये एंड का साइन है LT, अगर आप एंड देन ये देखें आप ये सेमी कॉलन है, अगर आप इसे हटाते हैं तो क्या होता है, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का टैग जो है वो खत्म हो चुका है, अगर आप इसे हटाते हैं तो राइट साइड का जो है वो टैग खत्म हो चुका है, बट आपका ये हाईलाइटेड है बिकॉज ये कोड के अंदर है। अगर कोई भी चीज कोड के अंदर होगी तो वो उसे हाईलाइटेड कर देगा, ठीक है, बिकॉज वो कोड के अंदर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कोड के अंदर है, ठीक है। हम वापस कुछ उसी की तरह करते हैं, आप छोटी छोटी चीजें तो याद नहीं रख सकते कि जो है लेफ्ट टेक के लिए ये है, राइट टेक के लिए ये है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यूजर इनपुट है, बता रहा है कि इंडिकेट करने के लिए है, इंटरा जो है वो कीबोर्ड लेफ्ट का है राइट का है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के लिए वो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में जो है आप प्री का जो है टैग भी यूज कर सकते हैं, प्री का टैग ऐसे ही है जैसे यहाँ से ये कॉपी करते हैं, मैं टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आए। वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका टैग बन गया। अब ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये टैक्स जो है इतना लंबा चौड़ा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये कंटेनर के अंदर है, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे तो ये उसी की तरह फिट हो जाएगा। कॉलम बना के देखते हैं, डिव एंड देन फॉर इंस्टेंस हमें कॉलम विदाउट रो के हम कॉलम बना रहे हैं, वैसे ये अंदर आना चाहिए रो के, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद ब खुद मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो हमने जस्ट जो है कंटेनर इसी वजह से दिया हुआ है ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। प्री का टैग क्या करता है, वो बॉर्डर लेके आ जाता है, एंड देन आप ये देखते हैं कि वो कलर भी लेके आ रहा है। अगर आपने कलर एंड बॉर्डर देखना है इस किसी से क्या जो है वो ये देखें, पी का है ये कलर है उसका, ठीक है। उसके बाद में जो है ये बैकग्राउंड है उसका, और ये बॉर्डर रेडियस किया हुआ है उन्होंने, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं कि अब ये रेडियस है, उसके बाद में ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या है, ये पैडिंग वगैरह है। बहरहाल बहुत कुछ हैं जो भी आप देखना चाहते हैं, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप वो चेक कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या सेटिंग की गई है, ठीक है। उसके बाद में आप वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो। ये देखें VAR वार का वाई, ठीक है, वाई है आपका, इक्वल्स टू का साइन है आपका, एंड देन वेरिएबल है m, एंड देन वेरिएबल है x, एंड देन प्लस हो रहा है b, ठीक है। उसके बाद में ये सिंपल आउटपुट है आपका, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो जस्ट sam आपका टैग है वो आप यूज करेंगे, या मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ
पेस्ट कर देता हूँ एंड वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये सिंपल जो है वो टेक्स्ट कुछ इस अंदाज में बनेगा। तो आप चीज़ें जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसे आप जो है वह करना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल हमें कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड आपकी फीडबैक हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।